माहेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्ये, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। लोकविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणायरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं पादात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आनंद घन सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सर्वांतर्यामी करुणावरणालय भक्तवांचल पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण इसी चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए जीवन में मर्यादा धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम दास भाव जिनके जीवन में सदैव है ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भक्ति भाव भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन कर नासे विघ्न अनेक ऐसे गुरु महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन प्रणाम। तुलसी बाबा जीव को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए श्री हनुमान चालीसा में के माध्यम से जीव को समझाते हैं कि कैसे भी करके जीव परमात्मा की तरफ बढ़ जाए। बस एक बार भगवान के पास आ जाओ तो कहीं ना कहीं हमको परमात्मा की जो कृपा है वो प्राप्त हो ही जाएगी। देर कितनी है, केवल भगवान के पास आने की बस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरन रघुवर विमल जसु जो दायक फल चा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजाग राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज
किसी चरणों में वंदन करते हुए इस हनुमान चालीसा के अंदर गोता लगाते हैं। और आज क्या संकेत कर रहे हैं? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। माने किसके साथी हैं? आज के प्रसंग में हम सभी लोग विचार करते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा, उनका साथ हमारे साथ बना रहे। परंतु हनुमान जी महाराज किसके साथ रहते हैं, इसके ऊपर प्रकाश से तुलसी बाबा डालते हैं। महावीर, महावीर का मतलब क्या? जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता और जिसका शरीर ब्रज की तरह है, वज्र से ज्यादा कठोर कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए उस वज्र जैसा शरीर उन अलौकिक बलशाली हनुमान जी महाराज का काम है, अपने भक्तों की कुबुद्धि का निवारण करना। हमारे अंदर क्या है? कुबुद्धि है, और उस कुबुद्धि का निवारण श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। और जब कुबुद्धि हटती है तो क्या आएगी? सद्बुद्धि है। क्या प्राप्त करें हम? सद्बुद्धि प्राप्त करें। बोले राम जी महाराज की। तो सत्संग में आने से क्या प्राप्त होता है? सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और जब सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो क्या अच्छा है क्या बुरा है? कोई कुबुद्धि होगी, गलत बुद्धि होगी, तो हम कार्य भी गलत करेंगे, और सद्बुद्धि होगी तो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सद्मार्ग पर चलो। सद्मार्ग पर कब चलेगा व्यक्ति? जब अच्छी बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी। वे केवल प्रदान ही नहीं करते और सद्बुद्धि देने के बाद में और उसके साथ हो जाते हैं। और जिसके साथ हनुमान जी महाराज हों उसका कौन क्या बिगाड़ेगा है? इसीलिए अगर हम हनुमान जी महाराज की कृपा उनको अपने साथ रखना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में सद्बुद्धि लाएं। कई लोग दर्शन करने के बाद भी उनकी बुद्धि नहीं सुधरती है, कई लोगों की पूजा पाठ करने के बाद भी बुद्धि नहीं सुधरती है, तो फिर देवता हमारे साथ कैसे रहेंगे? क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ तो कोई नहीं रहना चाहेगा। हम आप नहीं रहना चाहेंगे तो देवता कैसे रह सकते हैं? कुमति निवार सुमति के संगी, माने जिसकी सद्बुद्धि है उसके साथ में है। गलत विचार वाले के साथ कौन रहना चाहेगा है? कोई व्यक्ति गलत विचार वाला हो उसके साथ हम दो कदम नहीं चल सकते है? और कोई अच्छे विचार वाला हो तो हमारा अगर उसके साथ चलेंगे तो लोग भी कहेंगे हाँ ये व्यक्ति भी अच्छा लगता है। और कोई चोर चक्का हो उसके साथ हम बैठे हों, कोई शराबी हो तो उसके साथ हम बैठे हों तो हमको क्या कहेगा? चाहे भले हम कितने भी अच्छे हों फिर भी हमको क्या कहेंगे? ये भी ऐसा ही होगा है? इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का संग करने के लिए सुमति लानी पड़ेगी। सुमाने अच्छा। किसको अच्छा करना है? मन को, इस मति को, इस बुद्धि को, इस बुद्धि देवी को अच्छा कर लो। अच्छी कब होगी? ये जब परमात्मा में लग जाएगी है। इसलिए इस बुद्धि को परमात्मा में लगाओ तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। महावीर का अर्थ है तीनों लोगों में जो कार्य असंभव हो, क्या? वैसे तो जैन समुदाय में महावीर स्वामी हुए पर महावीर तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, हैं?
महावीर विक्रम बजरंगी, जो तीनों लोकों में जो कार्य असंभव हो, जो कोई नहीं कर पाए, उस कार्य को बिना परिश्रम के श्री हनुमान जी महाराज कर देते हैं। जब कहीं किसी देवता पर काम नहीं बनता ना, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, सीधे हनुमान जी महाराज के पास, क्योंकि वह सारे कार्य करने में निपुण है। और महान अपार बल वाले हैं, महावीर हैं, इतनी अपार शक्ति है, ताकत है, जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। एक समय रावण लंका में बैठा बैठा विचार कर रहा था, युद्ध चल रहा है, एक एक करके सब मारे जा रहे हैं, अनेक प्रकार की सेनाएं खत्म हो गई, कितने ही भाई चले गए, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया। रावण ने सोचा कि मैंने सबके साथ अपना बल को नापा। रावण के अंदर भी कम बल नहीं है, अपार बल है। एक बार बाली के साथ में युद्ध किया, पर देखा रावण बड़ा चतुर है, बल में अपने आप कम समझा, इसीलिए मित्रता कर ली। क्या जिससे यहां पर मेरा उपहास नहीं उड़े, बाली को मित्र बना लिया, और मित्र बना करके उसके साथ मित्र भाव दिखाने लगा। परंतु रावण ने सोचा, मैंने सबका बल नापा पर बांदरों का बल नापना भूल गया, और आज उसका परिणाम मुझे भोगने को मिला है कि एक बानर ने आकर के पूरी लंका को उथल पुथल मचा दिया, पूरी लंका तहस नहस कर दी। एक बार रण क्षेत्र में युद्ध चल रहा था, रावण के आगे अनेक वीर आते हैं, रावण को लगा कि कोई ऐसा वीर आए जिसको मैं कुछ देर तक मेरे सामने टिके, तो रावण अपने छल से, बल से, थल से, सब प्रकार से युद्ध कर रहा था। और युद्ध करते करते अचानक देखा कि रावण का प्रभाव बढ़ रहा है, तो श्री हनुमान जी महाराज आगे आ गए, और हनुमान जी महाराज ने कहा, ये रावण देख क्या इनसे लड़ता है, चल आज अपन युद्ध खत्म करते हैं, है? आज अपन दोनों ही निपटारा कर देते हैं। अब कौन है महाराज, इधर सामने गुरु खड़ा है, हनुमान जी महाराज कौन है, रावण के गुरु हैं। किस प्रकार से, क्योंकि रुद्र अवतार हैं, और रावण के गुरु कौन है, भगवान शंकर है। फिर भी अज्ञानता बस अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहा है, कभी कभार हम अपने गुरु की भी बात नहीं मानते, क्योंकि कुमति हो गई है ना, मति बिगड़ गई है, इसीलिए गुरु को भी नहीं पहचान रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा, ये शस्त्र वस्त्र सब छोड़ दे, एक एक मुष्टिका का प्रहार का, कि एक कुमार एक मैं मारता हूं, बस। रावण हंसा, कहने लगा रावण कि हे वानर, तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, तू अपनी ताकत लगा के मार, अगर तेरे मारने से मैं जरा भी चिक भी गया तो मैं राम जी को कह दूंगा, राम जी लौट करके चले जाएंगे,